जय हिंद स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। मैं ममता सिंह, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको सिक्स क्लास की हिंदी पढ़ाती हूँ। तो बच्चा, सिक्स क्लास की हिंदी ग्रामर को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने चार लेसन कंप्लीट कर लिया था, चार अध्याय पूरा कर लिया था। और जो होमवर्क में मैंने आपको प्रश्न उत्तर दिए थे, उनका भी आंसर मैं आपको नोट करा चुकी हूँ। तो अब हम बच्चा पार्ट पांच पढ़ रहे थे, अध्याय पांच पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चा, पहले आज मैं उसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के बारे में बता दिया है, संज्ञा के भेदों के बारे में बता दिया है। तो आज उसके होमवर्क में मैंने जो उसका प्रश्न दिया था आपको आंसर लिखने के लिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या उसका आंसर होगा। लेकिन उससे पहले मैं ओरली आपको एक बार फिर से संज्ञा के बारे में बता देती हूँ। संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा नाम, और इसकी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, पर्वत, गंगा, राम, मोहन, सोहन, पुस्तक, वाराणसी इत्यादि, ये सारे संज्ञा के उदाहरण हैं। अब अगला जो पॉइंट है बच्चा, वो ये है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के बच्चा पांच भेद होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। अगर आपको इसको जो है विस्तार से जानना है बच्चा, तो मेरा पिछला वीडियो आपको देखना होगा। पर फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के कुल पांच भेद होते हैं। वैसे तो पिछले क्लासों में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि संज्ञा के केवल तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, लेकिन दो और भेद इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो मूल रूप से संज्ञा के तीन भेद हैं और कुल मिलाकर संज्ञा के पांच भेद। तो वो पांच भेद कौन कौन से हुए? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये तो थे संज्ञा के भेद बच्चा। तो अब मैं थोड़ी सी चर्चा इसे कर लेती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है, उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे राम, गंगा, पटना, हिमालय इत्यादि, या पुस्तक में लेने तो रामचरितमानस, रामायण इत्यादि। ठीक उसी प्रकार से आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चा? तो जो संज्ञा शब्द किसी जाति विशेष का बोध कराता है, जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराता है, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, लड़का इत्यादि। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नदी जातिवाचक में क्यों आ रही है और गंगा जो है व्यक्तिवाचक में मैंने क्यों रखा? तो उसका भी एक रीजन है, चूंकि गंगा एक नदी का नाम है। गंगा से सारी नदियों का आभास नहीं होता या सारी नदियों का अर्थ हम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम नदी कहते हैं तो नदी से सारी नदियों का भान हमें हो जाता है। इसलिए नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा हुई और गंगा जो है किसी विशेष नदी का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट था बच्चा, वो था आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दोष या दशा आदि का वर्णन जो शब्द करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। यानी जो शब्द से किसी भाव, गुण, दोष या दशा का बोध होता हो, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काला, पीला, नीला, मीठा, यौवन, बुढ़ापा, कालिमा, मोटापा, ये सारे कैसे शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद आपका आते हैं बच्चा द्रव्यवाचक संज्ञा पे, कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा बच्चा उसे कहते हैं जिससे किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु निर्मित हुई हो, जिससे कोई वस्तु बनी हो, उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कई तरह के पदार्थ हो सकते हैं, जैसे ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैसीय पदार्थ। उदाहरण के रूप में जैसे हम ले लें दूध, दही, मक्खन, घी, तेल। ठोस में हम ले सकते हैं लोहा, चांदी, सोना और पीतल, ऊन इत्यादि, ये सारे ठोस पदार्थ में हम ले सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें आती हैं या ये सारे जो शब्द आते हैं, ये शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब पांचवा हम आते हैं स्टूडेंट, तो पांचवा आपका है समूहवाचक संज्ञा। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर के समूह का वाचक होता है, ऐसे शब्दों को किसमें रखते हैं? समूहवाचक संज्ञा में। जैसे कि पहले हमने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने राम का नाम लिया, मोहन का नाम लिया, वाराणसी का नाम लिया। तो वाराणसी किसी एक शहर के बारे में है, राम किसी एक व्यक्ति के बारे में है, बच्चे के बारे में है, मोहन कोई एक व्यक्ति के बारे में है। लेकिन समूहवाचक संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? जो किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर के समूह का वाचक हो, ऐसे शब्दों को किसमें रखेंगे? समूहवाचक संज्ञा में।
तो ऐसे शब्द कौन से आते हैं? टीम वर्ग सभा समिति कर्मचारी और आपका अधिकारी सेना पुलिस इत्यादि, ये सारे जो शब्द हैं वो समूह के वाचक हैं। क्योंकि पुलिस शब्द का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है, या उस पुलिस केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा जाएगा। पुलिस शब्द किसके लिए? पूरे पुलिस समुदाय के लिए, समूह के लिए उपयोग होता है। कर्मचारी है तो पूरे कर्मचारी वर्ग के लिए उपयोग होता है। इसलिए ये जो बच्चा है क्या है? समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो ये तो था आपका संज्ञा का चैप्टर। पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, उम्मीद करती हूँ इस समय भी आपको समझाने पे अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए देख लेते हैं कि इसके होमवर्क के क्वेश्चन में मैंने क्या दिया है, उसका आंसर नोट करा देती हूँ। तो बच्चा होमवर्क में जो पहला प्रश्न था वो था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए है पहले का, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, वाराणसी, हिमालय इत्यादि। ठीक है, ये तो आपका था पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? क्या है संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चा है कि संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? कुल 5 भेद हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा बेटा, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। चौथा प्रश्न अब देख लेते हैं। चौथा प्रश्न था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ये तीसरा था जातिवाचक संज्ञा, अब चौथा आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चौथे प्रश्न में बेटा देख लेते हैं उत्तर क्या होगा, कि जो किसी व्यक्ति स्थान वस्तु का बोध कराए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे राम, गंगा, पटना, यमुना, आगरा, रामचरितमानस इत्यादि, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पांचवा प्रश्न क्या है कि भाववाचक संज्ञा के 3 उदाहरण लिखो, भाववाचक संज्ञा के 3 उदाहरण लिखो। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ये आंसर में हम देख लेते हैं, क्रोध, मोटापा, बुढ़ापा आदि। क्रोध, मोटापा, बुढ़ापा आदि, ये किसके उदाहरण हो गए आपके? भाववाचक संज्ञा के। फिर छठवां प्रश्न कौन सा है? छठवां प्रश्न है समूहवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण दीजिए, समूहवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण दीजिए। तो कौन कौन से उदाहरण है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण में? पुलिस, परिवार, सेना आदि। पुलिस, परिवार, सेना आदि। तो ये तो था बच्चा आपका पांचवें पार्ट का होमवर्क का प्रश्न उत्तर, जो कि आज हमने पूरा किया। अब उम्मीद करती हूँ कि आप सभी से अपने नोट्स पे जरूर राइट डाउन करेंगे, और आई होप कि आप सभी अपने घर में मजे में होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपके परिवार के सदस्य भी स्वस्थ होंगे। और दूसरी बात बच्चा ये कि इसे तो नोट करिएगा ही, साथ में आप इसे लर्न भी करिएगा। सारे क्वेश्चन आंसर जो लिखवाए जा रहे हैं उसे पढ़ते जरूर रहिएगा। अगले वीडियो में हम जो है अगला पाठ लेकर के आएंगे, अगला पाठ छठवां है। छठवें पाठ में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। अगर आपके घर में किताब अवेलेबल होगी तो सर्वनाम के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, और अगर नहीं देख पाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे तो फिर मैं हूँ ही बताने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद ऑल ऑफ यू।